रासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आयोजित की बैठक। हाटा कुशीनगर स्थानीय तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पोखार भिंडा में राष्ट्रीय संस्थागारिक पार्टी के पदाधिकारी ने एक बैठक की। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सिंह सैदवार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में रासपा पूर्वांचल के प्रत्येक सीटों पर अपने प्रत्याशी को लड़ाएगी और सैदवार मल्ल समाज से रासपा के बैनर तले एकत्रित होने की अपील की। जिलाध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने कहा कि आज के समय में एक छत के नीचे आने की जरूरत है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि गांव गांव संगठन खड़ा करके आगामी चुनाव में रासपा ताल ठोकने का कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर मनोज सिंह सैथवार है। मैं राष्ट्रीय संस्थागारिक पार्टी रासपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे समाज को सैथवार मल समाज जो पूर्वांचल में रहती है उसको कुर्मी मल और कुर्मी सैथवार के नाम से जाना जाता है, जो हमको कतई स्वीकार नहीं है। मैं आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी देना चाहता हूं कि हम मल और सैथवार हैं और वही रहना चाहते हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय संस्थागारिक पार्टी का, और आने वाले चुनाव में यह पार्टी अपने दम और खम से उतरेगी, क्योंकि बहुत हो गया विनय करते हुए, विनय न माने जल जल गए तीन दिन बीत। जब कहा था लक्ष्मण ने कि भैया ये तो समुद्र नहीं मान रहा है, उसी तरह यह सैथवार मल समाज पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने 12 विधायकों को पूर्वांचल को समर्थन दिया था और उन सभी विधायकों ने कहा था कि आपकी मांग में विधानसभा में पहली पटल पर उठाऊंगा, पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा सभी ने। लेकिन जीतने के बाद किसी ने हमारी सुध नहीं ली। हम लोगों ने अनेकों बार उनको कहा लेकिन नहीं सुनी सुध ली। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पूर्वांचल के इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं, बहुत हो गया अब सैथवारों का अपमान, अब सैथवार अपमान नहीं सहेंगे। बहुत हो गया विनय करते हुए, अब सैथवार अपनी जो जनसंघ के जमाने से भाजपा को वोट देता हुआ आया है, आज वह पूरा समाज नाराज है। हमको हमारी पहचान, हमारे सम्मान, हमारी स्वाभिमान और हमारी अस्मिता की बात है, हम अब नहीं मानेंगे। और हमारे संगठन से हमारा विधायक बनेगा और हमारी बात जाके देश के उच्च सदन संसद में और विधानसभा दोनों में उठाएगा। सर आप ये बताइए, अपने जात को जैसे कुर्मी सैथवार, पहले कुर्मी आ रही है जातगढ़ में सैथवार, आप इसको लेकर के एक भी बार अब सुने हैं बैठे थे कि आप 3 बार जा चुके हैं, तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी क्या कहें? माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से जब वह सांसद हुआ करते थे तो मैं व्यक्तिगत उनसे अपनी फाइल लेके मिला था, कुछ लोग थे हमारे संगठन के ही, उस समय योगी जी ने कहा था व्यक्तिगत रूप से कि नहीं यह होने लायक है और आप लोगों के सम्मान और स्वाभिमान की बात है और मंदिर में सैथवारों का योगदान हमारे बाबा दिग्विजयनाथ जी महाराज के समय से है। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए तो मैं फिर पहुंचा 6 महीने बाद अपना फाइल लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है फाइल दे दीजिए। फिर 2 साल बाद उनके पहले मुख्यमंत्री काल में जब मैं पहुंचा था तो महाराज जी ने यह कहा, अरे लाभ लीजिए आप लोग, क्या कुर्मी और सैथवार के बीच में पड़े हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अपने छत्री होने पर गर्व है, तो क्या हमें अपने छत्री होने पर गर्व नहीं है? मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। सर आप ये बताइए, मान लीजिए कुर्मी सैथवार अगर मान ली पिछड़ी आप आरक्षण उठा रहे हैं पिछड़ी वर्ग का, लेकिन जब राजपूत छत्री की बात कर रहे हैं तो आपको तो सम्मान की मान लीजिए आरक्षण मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल आपने सही कहा, हम कह रहे हैं कि हमें हमारे राजपूत नहीं, हम क्षत्रिय हैं और बहुत सारी क्षत्रिय जातियों को आरक्षण मिलता है, ब्राह्मणों को भी आरक्षण उत्तराखंड में मिल रहा है और बिहार में भी हमें हमारे मूल नाम से मिल रहा है, उत्तराखंड में मिल रहा है। तो इस पूर्वांचल के इस हम गोरखपुर मंडल में एक हम लोग को तो आरक्षण मिलना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब में मिलना चाहिए आरक्षण, लेकिन हमारे नाम से मिलना चाहिए, हमें जाति बदल के नहीं चाहिए। आज जो पूर्वांचल के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वह भी अपने आप को ग्रेट चमार करके अपने आप को संबोधित करते हैं, उनको अपने जाति पर गर्व है लेकिन हमें भी अपने जाति पर गर्व है, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को धूमिल न किया जाए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। सर अध्यक्ष जी, हर जगह अपने पिछड़ी जाति को शोषण किया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हर जगह अपने ही जाति का शोषण हो रहा है। बिल्कुल, बहुत ही सही आपने उठाया है कि
कि अभी आप लोगों के सामने एक बैतालपुर बरारी कांड देख लीजिए, अभी एक यहाँ पर कुबेर स्थान में देख लीजिए, उससे पहले एक मैंने बरौली कांड बताया, गगरा कांड बताया, कहीं पर भी सहितवारों का कोई सुनने वाला नहीं है। मैं पूरे सहितवार समाज से आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, अभी भी समय है, पूरे सहितवार मतलब समाज अपनी आवाज को एक बन के उठाइए। अगर मधुमक्खी के छत्ते जैसा एक हो जाएंगे तो शहद जैसा मीठा फल मिलेगा। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।